एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस जियो ने अपना नया फोन लॉन्च कर दिया, जियो फोन ग्रीन बॉक्स। बहुत टाइम के बाद में यहाँ पे आया जियो फोन ग्रीन बॉक्स। और इसके अंदर आपको फीचर्स की अगर बात करूँगा तो यहाँ पे आपको वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, वाईफाई, सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है नए फोन के साथ में। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पुराना फोन। अब तक ये पुराना फोन आता था, अब ये बंद हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नया फोन जियो ने लॉन्च किया है और मैं आपको इसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। इसके अंदर ऑफर फीचर्स के बारे में बताऊंगा और के अंदर ऑफर आपको क्या मिलता है, जैसे एक साल और दो साल का फ्री ऑफर रिचार्ज मिलेगा। तो इस फोन को पहले अनबॉक्स करते हैं और आपको फंक्शन के साथ में ऑफर बताते हैं। अगर ये फोन आपको पसंद आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाके इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिएगा इस ऑफर के साथ में आपको बताते हैं इसके अंदर क्या कुछ कंपनी ने पैक किया, कितने का फोन है और इस फोन को आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो मैंने दोनों फोन कुछ इस तरीके से लगा दिए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे ओल्ड फोन भी आया हुआ है और यहाँ पे नया जियो फोन आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम दोनों फोनों को अनबॉक्स करेंगे और दोनों फोन ऑफर के साथ में है। तो चलिएगा इसमें आपको एक बार यहाँ से दिखाऊंगा कि ये फोन कैसा लगता है और इसे हम अगर बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे बुक करेंगे। तो चलिएगा इस एक एक करके आपको फोन दिखाते हैं। यहाँ पे ये नया जियो फोन है जो कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिएगा इस एक बार यहाँ से बैटरी डाल के भी आपको दिखाएंगे और बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि ये फोन जरूर दिखाएं, इसके अंदर क्या कुछ ऑफर फंक्शन आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुकलेट मिल जाती है और यहाँ पे जियो का एक स्टिकर है और दूसरा यहाँ पे एक वारंटी कार्ड भी इसके अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस फोन कुछ इस तरीके का आता है। तो चले गए इस यहाँ पे दूसरा फोन भी आपको खोल के दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आए और मैं आपको बैटरी डाल के दिखाऊंगा कि ये फोन में आपको कैसे क्या ऑफर मिलेगा और कितने का आपको ये फोन बुक करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा फोन भी आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड फोन है। तो गाइस इन फोनों में आपको ये भी बताएंगे कि ऑफर क्या क्या मिलता है और ये नया और पुराने फोन में क्या कुछ फर्क कंपनी ने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वाला ओल्ड फोन है और यहाँ पे एक दूसरा फोन भी है, जैसे कि ये ओल्ड फोन है। तो आप ओल्ड फोन इस तरीके से देख सकते हैं, ये मेरे पास ओल्ड फोन है और यहाँ पे नया फोन मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो चलिए गाइस आपको पहले फोन दिखाते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे फ्रंट और बैक दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये फोन देख सकते हैं जियो का ग्रीन बॉक्स है, फ्रंट से कुछ अलग ही है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड फोन और न्यू फोन में बहुत फर्क है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ओल्ड फोन है और यहाँ पे न्यू जियो फोन आया हुआ है जो ग्रीन बॉक्स का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2.4 इंच की डिस्प्ले है और कीपैड में खैर बहुत ही गजब का है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फ्रंट और बैक में दोनों साइड कैमरा मिलेगा, जिससे अगर वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। दोनों फोन कुछ इसी तरीके से हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, यहाँ पे बैक में आपको कैमरा मिलेगा, LYF लिखा हुआ है, ऊपर के साइड में एक टॉर्च मिल जाती है और नीचे के साइड में यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक है, LG 3500 का चार्जर मिल जाता है। तो चलिए एक बार यहाँ से बैटरी डालते हैं और आपको दिखाते हैं। दोनों फ़ोनों में बैटरी डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी पुराने फ़ोन में भी 2000 mAh की बैटरी मिलती है। तो चलिए गाइस यहाँ पे बैटरी डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं। बैटरी डालने से पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो ये बैटरी मिलती है आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ 2000 mAh की बैटरी मिलती है, इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक चार्जर मिल जाता है गाइस। यहाँ देख सकते हैं LYF का चार्जर है जो कुछ इस तरीके की कंडीशन में आता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर LYF का चार्जर दिखा दिया और अब मैं इसमें एक बार आपको बैटरी डाल के दिखाता हूँ। गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये 2000 mAh की बैटरी है, इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी निकली है, एक साल की आपको वारंटी मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है गाइस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है F220B ब्लैक कलर लिखा हुआ है और एक सिम एक मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे 128 GB तक का डाल सकते हैं। तो ये बैटरी मैं इसमें एक बार आपको डाल के दिखाता हूँ और दोनों फ़ोनों में फ़ीचर्स जो सेम है या फिर अलग हैं गाइस, ठीक है। तो ये नया फ़ोन है, नए फ़ोन में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर ग्रीन बॉक्स देख और यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स वाला मोबाइल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस ब्लू बॉक्स में भी आपको बैटरी डाल के दिखाते हैं। इसमें भी आपको एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डालना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2000 mAh की बैटरी है, इसको भी एक बार यहाँ से डाल देते हैं और इसमें भी आपको एक साल की गारंटी मिलती है गाइस, ठीक है। तो अभी इसको एक बार यहाँ से चालू करते हैं, लेकिन ये वाला फ़ोन बंद हो चुका है गाइस, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे F320B मॉडल नंबर बंद हो चुका है, ये वाला नया आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो अभी ये दोनों फ़ोन ओके कर रहे हैं और आपको इसमें ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अच्छा फ़ोन है और कौन सा हमें लेना चाहिए। तो चलिए गाइस ये एक बार यहाँ से चालू हो जाते हैं, फिर इसके बाद आपको फीचर्स बताएंगे कि इसमें हमें क्या कुछ मिल जाता है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर
तो गाइस बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बॉक्स में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और नए और पुराने फ़ोन में बहुत फ़र्क गाइस आ रहा है अभी इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे फीचर्स बताने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नए और पुराने फ़ोनों में बहुत कुछ अंतर है और यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि नए और पुराने फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं। तो अभी दोनों फ़ोन को यहाँ पे ओके कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से फ़ोन में सबसे बेहतर फीचर्स हैं। तो ये वाला ओल्ड फ़ोन है, ओल्ड फ़ोन में हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है, जैसे कि आपको वीडियो कॉलिंग है और यहाँ पे फ्रंट बैक में दोनों साइड कैमरा मिलेगा, और व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वाईफाई, और यहाँ पे ये देख सकते हैं फेसबुक, और यहाँ पे जियो स्टोर की जगह यहाँ पे प्ले स्टोर की जगह जियो स्टोर यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें भी आपको यहाँ पे दिखा दूँ 512 की रैम है, 4 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड है। इसलिए यहाँ पे पुराना ओल्ड फ़ोन है, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि नए और पुराने फ़ोन में कितना कुछ अंतर है गाइस, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको वाईफाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे अपडेट सिस्टम भी गाइस चलता रहता है, तो अगर आपको अपडेट करना है कोई चीज़ तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके अपडेट करना है, वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीज़ें है। अब इस नए फ़ोन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नए फ़ोन में हमें क्या क्या मिल जाता है। देख सकते हैं इसके अंदर हमें व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है और जियो स्टोर है। जियो स्टोर की जगह पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, वीडियो कॉलिंग करने के लिए कैमरा भी मिलता है और यहाँ पर बैक में कैमरा मिलता है। बैक में जो कैमरा है आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँगा, वीजे कैमरा आपको मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा तो वीजे कैमरा मिल जाता है। और अगर मैं फंक्शन की कुल मिला के बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं जो ओल्ड फ़ोन में आते थे जिसके जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे आते थे कि जैसे ओल्ड फ़ोन में यहां पे फीचर्स आते हैं जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, उसी तरीके से इसमें आएंगे नए वाले फ़ोन में या फिर नहीं। तो गाइस देख सकते हैं आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर यूट्यूब भी आपको देखो खोल के दिखाया, आप यूट्यूब भी चलाएंगे नए वाले फ़ोन में ग्रीन बॉक्स में गाइस, ठीक है। तो ये ग्रीन बॉक्स है, इसके अंदर यूट्यूब चलाने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सअप चलाने को इसको भी ओके कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप चला सकते हैं। यहाँ पे सिम डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सिम नहीं डाली हुई है गाइस। तो ये फ़ोन आप देख सकते हैं इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे ओल्ड में मिलते थे गाइस, ठीक है। अगर मैं आप रिचार्ज की अगर बात करूँगा तो आपको रिचार्ज भी 91, 75, 125 कोई सा भी पुराने फ़ोन का जियो फ़ोन का रिचार्ज आप इसमें करा सकते हैं ये ग्रीन बॉक्स के अंदर गाइस, ठीक है। तो ये F320 भी मॉडल नंबर है, इसके अंदर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और MRP की बात करूँगा तो यहाँ पर गाइस ये 1500 का ही फ़ोन आता है, लेकिन इसमें ऑफ़र रिचार्ज अलग अलग चलते हैं गाइस, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख लेना, वैसे फ़ोन सिंगल आपको 1500 रुपये का आपको मिलने वाला है, तो आपको ये 1500 का फ़ोन मिलेगा। और मैं इसके फीचर्स की कुछ बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 4G इंटरनेट ब्राउजिंग है, हेलो जियो का फंक्शन भी मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि पुराने फ़ोन में हेलो जियो का फंक्शन बीच वाले बटन से आता है, इसमें है या नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको हेलो जियो का फंक्शन मिलेगा, और नीचे के साइड में LG 3500 का चार्जर है और 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिल जाता है। तो गाइस ये फ़ोन कुछ इस तरीके का था, इसके सारे फीचर्स पुराने वाले हैं जैसे कि पुराने वाले में मिलते थे F320B मॉडल नंबर में गाइस, ठीक है। तो ये मॉडल और यहाँ पे ग्रीन बॉक्स दोनों सेम मॉडल हैं, कोई भी फ़र्क अंतर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा गाइस। और अगर मैं पैसे रुपयों की बात करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 1500 का फ़ोन है, ऑफ़र रिचार्ज का पैसा अलग लगता है, उसमें क्या कुछ ऑफ़र रहेगा, कितने का रिचार्ज रहेगा, वो सारे ऑफ़र आपको अलग से रहेंगे गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन मैंने आपको दिखा दिया दोनों कंपेयर करके कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट था और कौन सा आपको लेना चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन आपको कैसे मिलेगा, ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है, ऑफलाइन में ग्रीन बॉक्स अवेलेबल है और जियो फ़ोन ज़्यादा। और अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो जियो का भारत फ़ोन आता है, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये फ़ोन आपको ऑफलाइन में ही मिलते हैं, आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाके ऑफलाइन में मांग सकते हैं, तो ये फ़ोन आपको ग्रीन बॉक्स में मिल सकता है गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर जानकारी अच्छी लगा कर लेना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।